फ्रेंड देखिए, कल मैं सोम बाजार गई थी तो ये सारी सब्जी लाई हूँ। देख लीजिए, शिमला मिर्च, गोभी, बैंगन, भिंडी, खीरा, ये हरी मिर्ची है, धनिया, अदरक, टमाटर और ये आलू। प्याज मैं नहीं खरीदी हूँ इस बार, तो देख लीजिए यही सब है मेरी सब्जी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी 10:15 हो रहा है और मैं अपना सारा काम निपटा चुकी हूँ और मैं अभी चाय नाश्ता करने बैठी हूँ। तो देख लीजिए, ये मैंने उस दिन पोहा फ्राई किया था मूँगफली के साथ, तो ये है नाश्ते में और चाय है। तो कि नहा तो मैं सुबह लेती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सोची कि नाश्ता कर लेती हूँ। देखिए मेरी चाय आई, आप सभी पी लीजिए चाय। अभी मैं चाय नाश्ता कर लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी, तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड मैं देखो ये सब्जी के लिए सब्जी काट ली है, हरी मिर्ची है, आलू है, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, देख लीजिए कढ़ाई गर्म हो चुका है। प्याज लहसुन तो डालना है नहीं, और मैं तो सोची थी कि बैंगन आलू गोभी बनाऊं, लेकिन सुहानी कह रही है कि गोभी नहीं डालने के लिए, तो बस आलू बैंगन ही बनाऊंगी। काट रखी हूँ, धुला हुआ है। अब मैं ये जीरा डाल दी, देखिए आज बैंगन आलू की सब्जी ही बनाऊंगी जो है अपना। अभी ये हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ। बैगन भी डाल दी, आराम से सही से फ्राई हो जाएगी। क्या आलू भी डाल देती हूँ साथ में, सारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, भून जाएंगे। नहीं तो अगर मैं बैंगन पहले ही भूनूंगी और आलू अगर बाद में डालूंगी तो आलू घुल जाएगी, इस वजह से अब मैं थोड़ी इसको भून लेती हूँ। तो फ्रेंड देख लीजिए, ये नमक है मैं सब्जी में डाल रही हूँ, और एक चम्मच ये हल्दी, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच, और 2 चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, देख लीजिए। मैंने सारे मसाले डाल दिए, गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी। हर रोज दाल नहीं कोई खाते ना, इस वजह से मैं आज सब्जी चावल बनाऊंगी। मेरे यहाँ ज़्यादा चावल ही सब कोई खाते हैं, तो रात में मैं रोटी बनाती हूँ, कभी मर्जी होता तो दिन में भी रोटी बना लेती हूँ। ऐसे मेरा कंटिन्यू रोटी रात का ही है, दिन का चावल है। मर्जी होता है तो कोई रोटी भी थोड़े बहुत नाश्ता में खा लेते हैं, ऐसे तो बस चावल ही होता है। मैं चावल बना रही हूँ, सुबह सब चाय पी के चले जाते हैं, खाना कोई खाते हैं नहीं जल्दी। देख लीजिए मेरे सब्जी भून रहे हैं अच्छी तरह से, कलर भी अच्छा आ रहा है सब्जी का। और गोभी डाल देती तो सब्जी और ज़्यादा हो जाती, और सुहानी मना कर दी है तो चलो, नहीं अब मना कर ही दी तो क्या फ़ायदा, गोभी फ्राई हुआ ही नहीं तो फायदा क्या है। पहले करती तो गोभी भी फ्राई होता, और टमाटर डाल दूंगी बाद में, थोड़ी सी और भून लेती हूँ। तो फ्रेंड
बस मैं सब्जी में पानी डाल दी हूँ। अब ये सब्जी सही से पक जाएगी, थोड़ी सी तरी वाली रहेगी चावल के साथ खाने में। और ये है चावल का पानी रखी हूँ, इसमें गर्म हो रहा है। और इधर ये चावल साफ करने बैठी है। इधर मैं आलू धो के रखी थी, क्योंकि आलू में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं पहले धो दी, उसके बाद सूखने रखी थी। अब हटाऊंगी इसको। तो फ्रेंड, मैं सब्जी में डालने के लिए टमाटर को काट रही हूँ बारीक से। अब मैं सब्जी में डालती हूँ। इधर मेरा चावल उबल रहा है, देख लीजिए सब्जी, इसको धीमे आंच पे पका रही हूँ, क्योंकि सही से आलू और बैंगन जो है सही से पक जाए। बैंगन भी पकी गई है, देख लीजिए। बीज है बैंगन में, रंग तो सही लग रही है। मैं ये टमाटर डाल देती हूँ, जो कि आराम से सही से पक जाइए। दिखा देती हूँ आपको भी, क्या करें फ्रेंड, काम तो अकेले ही करना पड़ता है। लड़की है, काम करती है, लेकिन टाइम से तो करती है नहीं। और खाने में सुबह भी किसी को उठने का मन नहीं करता। मेरा लड़का छोटा, वो पढ़ने के लिए भी नहीं चाहता है, और ना स्कूल से अपनी नाम हटाता है। पढ़ाई भी नहीं करना है उसको, और नाम के पढ़ाई भी करना है, बस खाली ये है कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब आज भी ऑनलाइन क्लासेस थी उसकी 11 बजे से ही, तो उसे वो सो रहा है, क्या करूँ। और ये मैं सलाद के लिए काटी हूँ खीरा, देख लीजिए। और ये 4 टमाटर है, मैं इसको सलाद बनाऊंगी। देखिए, इसमें मैंने धनिया और गरम मसाला डाल दिया है, क्योंकि गरम मसाला वीडियो नहीं चालू कर पाई थी, भूल गई थी, तो मैं ये धनिया, ये गरम मसाला है, मैं गरम मसाला भी डाली हूँ और हरी धनिया भी डाली हूँ। देख लीजिए सब्जी बस बनी गई है। अब थोड़ी सी देर में, ये 2 मिनट में बंद कर दूँगी इसको, धीमे आँच पे इसको 2 मिनट, क्योंकि अभी धनिया गरम मसाला डाली हूँ तो। और इधर चावल बन गया है, इसका पानी निकालना है चावल का, गांव में पसाना बोलते हैं, तो चावल पसाना है अभी, और फिर दिखाती हूँ अभी। तो फ्रेंड देख लीजिए, मैंने चावल का पानी निकाल दिया है, और ये सब्जी भी बस बनी गई है। मैं इसको भी बंद कर देती हूँ, बंद कर दी चूल्हा। बस खाना तैयार हो ही गया है। और इधर मैं टमाटर खीरा भी काट ही ली, देखिए टमाटर खीरा भी काट के मैं रखी हूँ, तो फिर दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड खाना तो मेरा बन ही गया है, और देख लीजिए ये भी सो के उठा है, मोबाइल लेके नीचे भागा। ये शिवम जो है छोटा लड़का मेरा, इसको पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगता है, और मैं इसको बोलती हूँ कि अगर पढ़ाई नहीं करना है तो नाम हटा ली स्कूल से अपना, घर में ही बैठा रहा। तो घर में भी इसको नहीं है कि भाई घर में रह के कोई काम कर ले, पीने का पानी नहीं है, लेकिन लाना इसको भी नहीं है। और मेरा जो बड़ा लड़का है सूरज, उसको भी मैं सुबह बोली कि भाई थोड़ा पानी पीने के लिए लिया, पानी नहीं है, तो वो भी मेरे से ऐसे ही बात कुछ भी बोलूँगी तो उल्टा जवाब देता है, वो भी चला गया। लड़की भी है तो ऐसे ही है, इसको भी कोई काम नहीं होता है टाइम से करना, तो मैं इस वजह से ना सैड रहती हूँ, और कोई भी काम में मेरा मन नहीं लगता है। बस एक जिम्मेदारी है जो कि मैं किसी तरह निभा रही हूँ, और ब्लॉग बनाने का मेरा मतलब यही है कि जब घर वाले जब किसी को नहीं समझता है, तो इंसान सोचता है कि चलो कहीं भी अपना मन लगाए, मन हल्का करें, तो मैं इसी वजह से वीडियो बनाती हूँ। बाकी अगर सफल होना नहीं होना वो तो नसीब का बात है, अगर लग साथ देगा तो निश्चित है कि हम भी आगे जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। और मैं सुबह से वीडियो इसीलिए नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, वो मेरे कोई भी बात सुनते नहीं, और पति को भी उतना इंटरेस्ट नहीं है वीडियो में आने का, तो मैं उन्हें भी नहीं लेती हूँ वीडियो में। इस वजह से मेरे वीडियो में कोई जान नहीं है, क्योंकि ये है फैमिली ब्लॉग,
घर की जो रूटीन है सब दिखाना, लेकिन घर में कोई ऐसी बातें होती है जो सबके साथ शेयर नहीं किया जाता है, नहीं तो बाद में फिर आप सभी कहोगे कि घर की बातें यूट्यूब पे डालती है, घर की बातें सबको पब्लिक में दिखाती है, तो इस वजह से मैं कोई भी बात दिखाना नहीं चाहती हूँ। आज मजबूर हो कि मैं आप सबको ये बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपने तीनों बच्चों को समझा के थक गई, किसी को मेरी बात सुननी है नहीं, और मेरी भी प्रॉब्लम रहती है, शरीर में दिक्कत है, सांस फूलने की भी बीमारी है, तो मुझे बोलने में भी दिक्कत होती है। अब क्या करूं फ्रेंड जो मेरे लाइफ में है, क्योंकि मैं देखती हूँ जो भी सारे यूट्यूबर हैं अपने घर की प्रॉब्लम अगर हर रोज़ शेयर करते हैं तो कमेंट में उन्हें गालियाँ सुनने को मिलती है, तो मुझे अगर अच्छा नहीं सुनने को मिला तो मुझे बुरा भी सुनने का कोई भी शौक है नहीं, तो कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि बुरा सुनाने के लिए मेरे फैमिली काफ़ी है। 4 साल पहले तक मेरे ससुराल वाले मेरे साथ रहते थे, अब वो भी मेरे से अलग हो गए, सास ससुर सब, क्योंकि देवर की शादी हुई, तो देख लीजिए यही है मेरा लड़का, आगे भी आया है ऊपर से मेरे पे ही कर रहा है वो यार। तो बस जब फैमिली के साथ थी तो फैमिली के साथ जैसे भी हुआ एडजस्ट की, आप फैमिली सब अपना अपना जैसे जिसको है रह रहे हैं, तो मैं सोची कि मैं भी अपने लाइफ में कि जैसे भी है ज़िंदगी जीऊँगी, लेकिन जिसको साथ में रहना वो नहीं समझता है तो क्या करूँ। अब देख लीजिए 1 बज गया है, अभी ये शो को उठाया दोस्तों के पास जाएगा, तो सब की करते ये पूछ रहा है कि और कौन क्या करेगा मेरे, सही बात है, कोई जब खुद नहीं समझना चाहता तो उसे दूसरा कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो बस मेरी लाइफ की यही कहानी है, और तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ, तो फैमिली अगर नहीं समझ रहा है तो कम से कम आप सब मुझे समझिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए अपना, जो कि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले, और ज़्यादा बोला भी नहीं जाता है, बोलने पे सांस फूलती है। तो बस फ्रेंड अभी के लिए तो बस इतना ही, मेरा खाना भी बन गया है, बाकी खाने वाले का भी पता नहीं है, जवाना होगा जो आएगी, मैं तो बना दी 1 बजे तक खाना हो गया मेरा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो जो न्यू देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ना मुझे सपोर्ट में कुछ भी नहीं, ना कमेंट आ रहा है, ना शेयर कोई कर रहे हैं, ना लाइक आ रहा है, और सब्सक्राइबर भी तो बहुत ही कम है, 2-4 दिन में 1-2 सब्सक्राइबर आ जाते हैं। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट के द्वारा बताइए, लेकिन सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फिर मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।